अगर ये मोबाइल आप अपने पैंट के जेब में रखते हैं तो क्या होगा? ये मोबाइल, इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके बॉडी के सिस्टम से इंटरफेयर करेगा और जिससे इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी हो सकती है या हो ही जाती है। सिमिलरली अगर आप मोबाइल अपने शर्ट के जेब में रखते हैं तो हार्ट बीट से इंटरफेयर करेगा एंड दैट विल लीड टू हार्ट डिजीज। मोबाइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आप ना तो देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का EMF टेस्टर आप खरीद सकते हैं जिससे आप किसी भी यंत्र का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना है वो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और मोबाइल ही क्यों, इस वक्त मेरे सामने कैमरा है, पीछे टेलीविजन है, इधर AC है और इधर Wi-Fi है। ये ऐसे सारे सामग्री हैं जो ज़्यादातर अनअवॉइडेबल ही होते हैं। इसका मतलब इन सब का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इस वक्त मेरे बॉडी में काम कर रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे बॉडी में इंटरफेयर करेगा उतना मेरे बॉडी का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जितना मेरे बॉडी का वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना मेरे बीमार रहने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे इन्फ्लेमेशन हो, ऑल काइंड ऑफ पेन, वो सारा कुछ बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में एक ही तरीका है, दैट इज अगर आप किसी भी तरह से अपने बॉडी की वोल्टेज को जीरो रख पाए, वी कैन कॉल इट जीरो वोल्टेज, तो ना केवल ये जो सारे फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये ना केवल इनका असर आपके बॉडी में मिनिमाइज हो जाएगा बल्कि आपकी जो बीमारी है वो रिवर्स होने लगेगी। यही जीरो वोल्ट थेरेपी हमने डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में शुरू की है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स, पार्किंसन के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स, इन पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जो ठीक ही नहीं होते, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, और जैसे वो जीरो वोल्ट थेरेपी पे रहते हैं, जैसे वो जीरो वोल्टेज पे रहते हैं, जादू की तरह वो ठीक होने लगते हैं। थैलेसीमिया के छोटे छोटे बच्चे जो सालों साल हर हफ्ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, यानी कि उनका बॉडी रेड ब्लड सेल नहीं बनाता था, तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता था कई सालों तक, बट वंस दे आर ऑन दिस जीरो वोल्ट, जिसे अर्थ थेरेपी भी बोलते हैं, अब उन बच्चों का कई महीनों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, सारे सिम्टम गायब हो गए, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए। सो दैट इज द पावर ऑफ जीरो वोल्टेज। आगे इसी वीडियो में आप देखेंगे डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में किस तरह से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद जीरो वोल्ट थेरेपी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें इक्विपमेंट क्या है, आप उसको देख के सीख सकते हैं। लेकिन आप में से वो पार्टिसिपेंट जो पूरी तरह से समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, ताकि आप अपने घर में ही जीरो वोल्ट थेरेपी सिस्टम से अपने आप को ठीक कर पाए, अपने फैमिली मेंबर को ठीक कर पाए, चाहे वो नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ या ह्यूमन डिजीज मैंने देखा नहीं जहां पे जीरो वोल्ट थेरेपी काम नहीं करती और बड़ी तेजी से काम नहीं करती। आई वेलकम यू टू दिस वेरी स्पेशल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑन जीरो वोल्ट थेरेपी। ये जो ट्रेनिंग है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम से अफिलेटेड है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है एक महीने की ट्रेनिंग के बाद वो वियतनाम की तरफ से आएगा, वो आपको दिया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से पहले आपको खास वोल्ट मीटर खरीदना पड़ेगा, एक आप EMF टेस्टर खरीद सकते हैं, ये 2,500 में मिल जाता है, बड़ा ही सस्ता कहीं मिल जाता है। इस ट्रेनिंग की खासियत यह है कि आपको मैं कुरियर से भेजूंगा एक किट, जिसमें एक खास तरह का कपड़ा होगा, जिसमें कॉपर वायर होगा, कॉपर प्लेट्स होंगे, कनेक्टर्स होंगे, एक ऐसा किट जिससे आप अपने घर में ही जीरो वोल्ट थेरेपी बेड बना सकें, ताकि उसका उपयोग सालों साल आप और आपके फैमिली मेंबर कर पाए, टू प्रिवेंट द डिजीज एंड टू क्योर द डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी अगर है तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। खास तौर पे हमने देखा है हमारे हॉस्पिटल में, जिस दिन हम शुरू करते हैं जीरो वोल्ट थेरेपी, उस रात ऐसे पेशेंट जो सालों साल तक मेडिसिन डिपेंडेंट थे नींद के लिए, तब भी नींद नहीं आती थी, बिना मेडिसिन की उनकी बड़ी अच्छी नींद उस दिन की होती है। ये हमने कई कई बार रिकॉर्ड करके देख लिया। आप में से वो लोग जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, नाइस एक्सपर्ट्स, वाइस एक्सपर्ट्स, श्रीधर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, लिंकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिन्होंने DIP डाइट सीखा,
या ग्रेड सिस्टम सीखा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खास डिस्काउंट है 50% डिस्काउंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जब भी कोई नया ट्रेनिंग होता है, शुरू होता है, उसका पहला बैच में आई गिव 50% डिस्काउंट फॉर ऑल माय प्रीवियस स्टूडेंट्स। आपने जो DIP डाइट सीखा, लिविंग वाटर थेरेपी सीखा, दैट वॉज केमिकल बैलेंस। हार्मोनल इश्यूज हो या फिर विटामिन मिनरल डिफिशेंसी हो तो वो केमिकल बैलेंस DIP डाइट। आपने सीखा ग्रैड थेरेपी, सीखा आपने ग्रैड टेक्निक, सीखा आपने हॉट वाटर इमर्शन सीखा, दैट इज मैकेनिकल बैलेंस। बॉडी में पानी भर जाना, सूजन हो जाना, मैकेनिकल बैलेंस को दोबारा वापस लाने के लिए ग्रैड सिस्टम। अभी जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल बैलेंस। अगर आपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी सीख लिया तो वो लूप कंप्लीट हो गया, दैट यू कैन कॉल्ड एज ए कंप्लीट हीलिंग। आप में से वो लोग जो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए लिंक में जाके आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी यह ट्रेनिंग शुरू होगी। याद रखिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए पहले बैच में ही प्रिविलेज है, दैट इज 50% डिस्काउंट, जैसे कि हमने अपने बाकी कोर्सेज में भी किया था जस्ट फॉर द फर्स्ट बैच। तो खैर, इसी वीडियो में आगे देखते हैं कि हम डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में 0 वोल्ट थेरेपी से पेशेंट्स को कैसे हील करते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इस वक्त मैं हूं डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में, और यहां पे लोग जो ठीक हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं तारों से। आप देखिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक पेशेंट, और ये जो लेटे हुए हैं और ये तार है, ये कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर को लिया मैंने, अब मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये इनकी जो बॉडी की वोल्टेज है इस वक्त 0 है, 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट पे रहते ही नींद ना आने की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या बॉडी में कहीं कहीं अगर दर्द है उसको ठीक करना हो, डिप्रेशन उसको ठीक करना हो, तो वो कैसे हो रहा है? तो इसको तार को पकड़ के चलते हैं। तो हमने इस तार को इससे कनेक्ट कर दिया, और इस तार को अगर आप देखें तो इसको, ये तार की जो छड़ी है यहाँ से चलती हुई जा रही है, चलती हुई जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये चलती हुई जा रही है। इसको फॉलो करते हैं हम, क्योंकि आप इससे घर पे भी कैसे बना रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। तो इसको फॉलो करते हुए अगर आप जा रहे हैं, ये बालकनी से होते हुए इस तार को हमने लिया और लेके बाहर, जो ईंटों का आप गोल वो देख रहे हैं उसके अंदर 1 फीट तक ये कॉपर की तार हमने डाल दिया। तो ये जो 1 फीट तक डला हुआ है, इसका मतलब अर्थ से, जमीन से इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए इनके बॉडी में इस वक्त जा रहा है। और इनके बॉडी में जाते ही इनके बॉडी का जो वोल्टेज है इस वक्त 0 वोल्ट है, यानी कि जो अर्थ का वोल्टेज है वही बॉडी का वोल्टेज है। अगर अर्थ का वोल्टेज और हमारा वोल्टेज सेम हो जाए तो बॉडी की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। और वो कैसे ठीक होने लगती हैं उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो वोल्टेज है वो आप देखिए, मेरा वोल्टेज क्या है इस वक्त, मेरा ये वोल्ट मीटर है, मेरा वोल्टेज है 0.41 या 0.02, 0.01, ये मेरा वोल्टेज है। इस वोल्टेज को अगर मैं 0 कर दूं तो मेरे अंदर अगर कोई बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। इसको 0 करने के लिए मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ये जो हॉस्पिटल का बेड है इस बेड में बैठना पड़ेगा। अब आप इस पे आँख लगाइए और मैं बेड में बैठने लगा हूँ, देखते हैं बेड में बैठते ही 0 होता है कि नहीं, राइट। अब मैं बेड में ये बैठा, और बैठते ही आप रीडिंग को देखिए, रीडिंग कम होता जा रहा है, ये नियर बाई 0 के आसपास आ गया। तो जब वोल्टेज 0 पर आ जाता है, 0 के आसपास आता है, उसी वक्त हमारी हीलिंग, हमारे बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है, हमारे बॉडी का इन्फेक्शन है, हमारे बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ है, इन सब में क्योर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, बॉडी की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होने लगती है, और ये विजिबल है। अब मैं खड़ा होता हूं, इससे अलग होता हूं, आप इस पे नजर रखिए मीटर पे, जो कि 0 वोल्ट के लगभग करीब है। अब मैं खड़ा हो रहा हूं, अब जैसे ही मैंने खड़ा हुआ, अब देखिए वोल्टेज इसका फिर बढ़ गया। तो इस वोल्टेज में मेरे बॉडी में हीलिंग बड़ी मुश्किल से होगी। अगर मुझे अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है तो मुझे वोल्टेज को 0 करना पड़ेगा। तो ये पहला दुनिया का हॉस्पिटल है जहां पे 0 वोल्ट थेरेपी अपनाया जाता है। पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट, वो ठीक हो सकते हैं। इन एडिशन टू हॉट वाटर इमर्शन, जो आपने हमारे वीडियोज में देखे, या लिविंग वाटर थेरेपी, वी इंक्लूड द, इसमें देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, मान लो किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये दिखने में नॉर्मल है, बट ये जो तार है, ये तार हमने इसमें डाले हुए, दीज आर कॉपर वायर, और इसका ये जो छोर है, इस छोर को हम सोते वक्त कनेक्ट कर देंगे विद द अर्थिंग वायर, राइट। इस तरह से यहाँ से लिया, अब इसको जैसे ही हमने कनेक्ट किया, और इसमें अगर पेशेंट सोता है, 6 घंटे की नींद लेता है,
तो अगले दिन जब पेशेंट उठेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो दर्द है वो चली जाएगी और नींद जो आती नहीं थी दवाइयों के बाद भी वो नींद आने लगेगी। कब से? पहले दिन से ही। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं बॉडी में उसमें पेन रिलीफ के लिए ट्रेवल करने के लिए करीब 30 मिनट्स लगते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ा तो यहाँ अगर मेरे दर्द है तो यहाँ से यहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ 45 मिनट्स के बाद ही मुझे आराम मिलना शुरू होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुरंत आराम मिल जाए तो मैं अपने आप को कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट यहाँ पे। कनेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ये जो एंड है जो हमने अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के लिए करते हैं कि इसको डायरेक्टली पेशेंट को यहाँ पहना देते हैं और इस एंड को, अर्थिंग एंड को हमने इससे इस कॉपर के प्लेट से हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एंड द पेशेंट इज वेयरिंग दिस राइट, ताकि डायरेक्ट यहीं से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। सो दिस इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी, जो कि कोई भी इंसान अपने घर पे आराम से कर सकता है और पहले दिन से उसको फायदा देख सकता है। पहले दिन के पहले आधे घंटे पौने घंटे में ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। और इस हॉस्पिटल को जिन्होंने शुरू किया है वो है विदिका, यहाँ पे है। और आप थोड़ा सा अपने शुरू करने के पीछे का मकसद और कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा बताएं। जी, आई एम विदिका, सर की पेशेंट रह चुके हूँ। मुझे 2015 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ रिग्रेस ट्रीटमेंट आई मेट डॉक्टर बिस्वरूप चौधरी एंड उन्होंने 2 महीने के प्रोटोकॉल में मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया एंड इट्स बीन 3 ईयर्स नाउ कि मैं कभी हॉस्पिटल भी नहीं गई। सो द होल मिशन और ऑब्जेक्टिव इज दैट पीपल शुड एक्चुअली नो दैट नेचुरोपैथी इज द प्लेस वेयर एवरीबडी शुड कम एंड यहाँ पर होम लाइक एनवायरमेंट में विदाउट हॉस्पिटल फील सब ट्रीट हो सकते हैं। आइडिया ये है कि आप इसको देखें ध्यान से तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कोई हॉस्पिटल है, लगना ही चाहिए कि ये घर है और ये घर भी है, घर ही है। तो जो क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनको बाकी सब जगह से ना सुनना पड़ता है, दे आर द वन दोज हू कम हियर एंड दे गेट क्योर्ड। बट एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि ये आप सीखें और घर पे ही करें ताकि आप घर पे ही ठीक हो जाएं। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।